नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके ऑटो व्लॉग्स में। आज हम इस वीडियो में नवंबर 23 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं और उसी के साथ साथ 25 गाड़ियों के नंबर्स भी जानने वाले हैं कि कितना यूनिट सेल हुई है। इसी के साथ गाड़ी की थोड़ी थोड़ी डिटेल्स भी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीके ऑटो व्लॉग्स चैनल को। उसी के साथ साथ अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार देते रहिए। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करें 25वें नंबर की, तो 25वें नंबर पे आपको टाटा की अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक देखने को मिल जाती है, जिसने 4955 यूनिट सेल किए हैं नवंबर 23 में, यानी कि 4955 यूनिट सेल किए हैं टाटा अल्ट्रोज ने 23 में नवंबर। उसी के साथ साथ बात करें 24वें नंबर की, तो 24वें नंबर पे भी आपको टाटा का ही प्रोडक्ट हैचबैक टियागो देखने को मिल जाता है। इसने 5508 यूनिट सेल किए हैं, जो कि अच्छा आंकड़ा है। टाटा अल्ट्रोज और टाटा टियागो में सीएनजी आने के कारण सेल्स में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, बहुत ही अच्छा सेल का आंकड़ा देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोनों में ड्यूअल सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाती है, जिसको हम आई सीएनजी बोलते हैं। बात करें 23वें नंबर की, तो 23वें नंबर पे आपको ह्युंडई की i20 देखने को मिल जाती है, जिसने 5727 यूनिट सेल किए हैं नवंबर 23 में। बात करें 22वें नंबर की, तो 22वें नंबर पे आपको महिंद्रा की थार देखने को मिल जाती है, एक देसी 4x4 SUV आपको देखने को मिल जाती है, जिसने 5810 यूनिट सेल किए हैं नवंबर 23 में। बात करें 21वें नंबर की, तो 21वें नंबर पे आपको किया की सोनेट देखने को मिल जाती है, जिसने 6433 यूनिट सेल किए हैं नवंबर 23 में। जल्दी आपको इसका फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा 14th December को, उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स, ज़्यादा कैपेबिलिटी, उसी के साथ साथ ज़्यादा अच्छी गाड़ी, इससे बेहतर गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो फेसलिफ्ट प्रोडक्ट है, तो वो अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ बात करें तो 20वें नंबर की, तो 20वें नंबर पे आपको टोयोटा इनोवा क्रिस्टा प्लस हाईक्रॉस देखने को मिल जाती है। टोटल अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है 6910 यूनिट, जिसमें आपको टोयोटा क्रिस्टा प्लस हाईक्रॉस का टोटल सेलिंग देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ 19वें नंबर की बात करें, तो 19वें नंबर पे आपको महिंद्रा की XUV700 देखने को मिल जाती है, जिसने 7221 यूनिट सेल की है नवंबर 23 में। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अभी इसमें प्रोडक्शन लाइन में भी बहुत ही जल्दी प्रोडक्शन हो रहा है XUV700 का, इसलिए सेलिंग में भी ज़्यादा यूनिट आपको देखने को मिल जाते हैं। 18वें नंबर पे आपको मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा देखने को मिल जाती है, जिसने 7937 यूनिट सेल किए हैं नंबर 23 में, जो कि ग्रैंड विटारा के लिए भी बहुत ही अच्छा आंकड़ा आपको देखने को मिल पा रहा है। बात करें 17 नंबर की, तो 17 नंबर पे इंडियन लोगों की जान मारुति सुजुकी की अल्टो देखने को मिल जाती है। एक समय की टॉप 5 प्रोडक्ट में या टॉप 1 प्रोडक्ट में आने वाली ये गाड़ी है, इस बार 17 नंबर पे आपको देखने को मिल जाती है, जिसने 8076 गाड़ियों को बेचा है इस नवंबर 23 में। लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है, लोगों का जो बजट है, वो अब सेडान या प्रीमियम हैचबैक तक का हो गया है, इससे जो माइक्रो हैचबैक बोले या मिनी कार्स बोले, उसका सेगमेंट ख़त्म हो रहा हो वैसा हमको दिख रहा है। और जो पुरानी अल्टो से जो नया अल्टो का जो अपडेट आया है, उसमें ज़्यादा अपडेट आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है। डिज़ाइन वाइज देख ले, आप फीचर वाइज देख ले, पुरानी अल्टो थी वो बेस्ट थी, पर इसमें थोड़े लुक्स के मामले में, डिज़ाइन के मामले में इम्प्रूवमेंट ना होने के कारण इसका सेलिंग वापस जा रहा हो ऐसा हमको दिख रहा है। बात करें 16 नंबर की, तो हुंडई की एक्स्ट्रा 16 नंबर पे आ गई है, 8325 यूनिट एक्स्ट्रा ने सेल किए हैं, एक अच्छा आंकड़ा है, पर स्टार्टिंग से ही एक्स्ट्रा का सेलिंग आपको कम देखने को मिल पा रहा है। इसी के साथ साथ बात करें 15 नंबर की, तो 15 नंबर पे आपको महिंद्रा की बोलेरो प्लस नियो का टोटल काउंट देखने को मिल जाता है, जो कि 9333 यूनिट आपको महिंद्रा बोलेरो प्लस नियो का टोटल फिगर देखने को मिल जाता है। 14 नंबर पे आपको मारुति सुजुकी की फ्रॉक्स देखने को मिल जाती है, एक क्रॉस ओवर कम SUV प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है मारुति सुजुकी की तरफ से, 9867 यूनिट मारुति सुजुकी फ्रॉक्स ने सेल किए हैं नवंबर 23 में। बात करें 13 नंबर की, तो 13 नंबर पे आपको मारुति सुजुकी की इको, एक फैमिली कार बोल सकते हैं, एक कॉमर्शियल गाड़ी भी बोल सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाती है, 10226 यूनिट मारुति सुजुकी इको ने सेल किए हैं नवंबर 23 में।
बात करें 12 नंबर की, 12th नंबर की, तो Hyundai की वेन्यू आपको 12 नंबर पे देखने को मिल जाती है। 11,180 यूनिट Hyundai वेन्यू की सेल हुई है नवंबर 23 में। बात करें 11 नंबर की, तो 11 नंबर पे आपको किया की सेल्टॉस देखने को मिल जाती है। किया की जो सेल्टॉस है उसने 11,684 यूनिट सेल किए हैं नवंबर 23 में। अच्छा आंकड़ा है किया सेल्टॉस के लिए भी। 10वें नंबर पे आपको उसी की राइवल Hyundai की क्रेटा देखने को मिल जाती है। 11,814 यूनिट Hyundai क्रेटा ने सेल किए हैं नवंबर 23 में। दोनों गाड़ियों में सिर्फ 200 गाड़ियों का अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। किया सेल्टॉस अगले महीने क्रॉस भी कर सकती है Hyundai को, या क्रेटा भी आगे पीछे हो सकती है। 9th नंबर पे आपको महिंद्रा की स्कॉर्पियो प्लस स्कॉर्पियो एन का टोटल फिगर 12,150 यूनिट आपको देखने को मिल जाता है। अच्छी सेलिंग है, प्रोडक्शन लाइन मजबूत होने के कारण ज़्यादा सेल यूनिट आपको देखने को मिल जाता है महिंद्रा की तरफ से। 8वें नंबर पे आपको मारुति सुजुकी की अर्टिगा देखने को मिल जाती है, जिसने 12,857 यूनिट सेल किए हैं। फैमिली कार है, 7-सीटर में आती है, सीएनजी के साथ आती है। बहुत ही दमदार सेलिंग आपको मारुति सुजुकी अर्टिगा की देखने को मिल जाती है। बात करें 7th नंबर की, तो 7th नंबर पे आपको मारुति सुजुकी की बलेनो देखने को मिल जाती है। 12,961 यूनिट मारुति सुजुकी बलेनो ने सेल किए हैं। नेक्सा बेस्ड प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा सेल दिखा रहा है। उसी के साथ साथ बात करें तो प्रीमियम हैचबैक में इसकी काउंटिंग होती है। बात करें 6th नंबर की, तो 6th नंबर पे आपको मारुति सुजुकी की ब्रेजा देखने को मिल जाती है। एक 4-स्टार रेटेड प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट, मिनी एसयूवी भी बोल सकते हो आप उसको, और मजबूत सेलिंग के साथ 13,393 यूनिट आपको उसकी सेलिंग देखने को मिल जाती है। बात करें 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर पे आपको टाटा की पंच देखने को मिल जाती है। एक माइक्रो एसयूवी देखने को मिल जाती है, 14,383 यूनिट सेल हुई है टाटा पंच की। अच्छा आंकड़ा है टाटा पंच के लिए, ICNU होने के कारण बहुत ही अच्छा सेलिंग आपको देखने को मिल जाता है। 4th नंबर पे बात करें, तो 4th नंबर पे आपको टाटा की नेक्सॉन देखने को मिल जाती है। 14,916 यूनिट टाटा नेक्सॉन की सेल हुई है नवंबर 23 में। उसका भी अच्छा आंकड़ा आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल गाड़ी है, बहुत ही अच्छा एवरेज देती है, और वैल्यू फॉर मनी कार आप उसको बोल सकते हैं। अच्छी सेफ्टी के साथ भी आती है। बात करें 3rd नंबर की, तो 3rd नंबर पे आपको मारुति सुजुकी की स्विफ्ट देखने को मिल जाती है, जिसने 15,311 यूनिट सेल किए हैं। उसी के साथ साथ मारुति सुजुकी स्विफ्ट का भी फेसलिफ्ट अभी आने वाला है, सॉरी नेक्स्ट जनरेशन अभी आने वाला है, जिसमें आपको फीचर्स, लुक्स, डिज़ाइन सब में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहने वाला है ऐसा मार्केट में कयास बताया जा रहा है। बात करें 2nd नंबर की, तो 2nd नंबर पे आपको मारुति सुजुकी की डिज़ायर देखने को मिल जाती है, जिसने 15,965 यूनिट सेल किए हैं। उसी के साथ साथ CNG में भी ये गाड़ी आती है, तो अच्छा सेलिंग आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बात करें 1st नंबर पे, तो 1st नंबर पे आपको मारुति सुजुकी का ही प्रोडक्ट वैगनार देखने को मिल जाता है। एक अच्छी टैक्सी कार है, एक अच्छी फैमिली कार है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसी के साथ साथ सेफ्टी में नहीं है, बाकी प्रैक्टिकल कार आप उसको बोल सकते हो। 16,567 यूनिट मारुति सुजुकी वैगनार की तरफ से सेल यूनिट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये थे नवंबर 23 के टॉप 25 कार्स के सेलिंग नंबर्स। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DK ऑटो ब्लॉग चैनल को, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका प्यार बरकरार रखिए। थैंक यू वेरी मच।